आज हमें क्या करना है, एक्सेलरेशन के बारे में समझना है। अब ये एक्सेलरेशन पता सबको होता है, बस थोड़ा बहुत डाउट के साथ पता होता है। अब एक्सेलरेशन क्या है, तो अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर आपसे कोई पूछता है कि डिफाइन एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन अगर आपको कोई डिफाइन करने को बोलेगा तो एक्सेलरेशन आप क्या बोलोगे, एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब अगर वेलोसिटी के बारे में बात किया जाए तो वेलोसिटी क्या है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है मींस वेलोसिटी के पास मैग्नीट्यूड भी होगा और वेलोसिटी के पास डायरेक्शन भी होगा। तो अगर कोई आपसे बोलता है कि आपको चेंज ऑफ वेलोसिटी फाइंड आउट करना है या वेलोसिटी में चेंज प्रोड्यूस करना है, वेलोसिटी में चेंज प्रोड्यूस करने के लिए या तो आप मैग्नीट्यूड को चेंज कर लो तब भी वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, अगर आप डायरेक्शन चेंज करोगे तब भी वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज कर दोगे तब भी वेलोसिटी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो अभी ये जो डायरेक्शन वाली बात है ना उस पर हम ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, हम बेसिकली अभी क्या करते हैं मैग्नीट्यूड वाले पार्ट को समझते हैं कि अगर मैग्नीट्यूड में चेंज होगा तो किस तरह से एक्सेलरेशन होगा, किस तरह से रिटार्डेशन होगा, वो हम समझते हैं। आप हमेशा याद रखना कि अगर मुझसे एक्सेलरेशन पूछा गया है तो एक्सेलरेशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब वेलोसिटी में जब भी चेंज होगा, वेलोसिटी में चेंज होगा इसका मतलब क्या है, वहां पे कोई ना कोई एक्सेलरेशन होगा। अब ये वेलोसिटी को डिफाइन कैसे करते हैं, तो सॉरी एक्सेलरेशन को डिफाइन कैसे करेंगे, हमने बोला रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। फिजिक्स में चेंज के लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं डेल्टा। कभी भी अगर आप फिजिक्स में ऐसा देखोगे ना डेल्टा, डेल्टा का मतलब होता है चेंज। तो मुझे चेंज ऑफ वेलोसिटी लिखना था तो चेंज ऑफ वेलोसिटी को मैंने लिखा डेल्टा वी डिवाइडेड बाई रेट। जब भी फिजिक्स में कोई भी डेफिनेशन आ जाए और उस डेफिनेशन में आगे में आपको ये रेट वाला वर्ड मिल जाए ना, तो आपको समझ जाना है कि आपको क्या करना है, उसको टाइम से डिवाइड कर देना है, चेंज ऑफ टाइम से डिवाइड करना है। अब ये जो सिंबल है ये दिस इज द सिंबल फॉर चेंज। और फिजिक्स में कभी भी चेंज कैलकुलेट करना हो ना, फिजिक्स में कभी भी चेंज कैलकुलेट करना है तो आप क्या लिखोगे, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। तो अगर मैं डेल्टा वी लिखो, मान लो मेरे को एक्सेलरेशन लिखना है मैथमेटिकली, तो मैं डेल्टा वी को मैं क्या लिखूंगा, फाइनल वेलोसिटी। ये तुम जानते होगे अपने लोअर क्लास में कि फाइनल वेलोसिटी के लिए वी यूज करते हैं और इनिशियल वेलोसिटी के लिए यू यूज करते हैं, ऐसा पढ़ा है क्या हमने। यस सर। मान लो ये डेल्टा टी का मतलब है चेंज इन टाइम। चेंज इन टाइम का मतलब हो गया जब फाइनल वेलोसिटी, मान लो इनिशियल वेलोसिटी मतलब ऐसा हो गया कि जब टी इक्वल्स टू 0 सेकेंड है, टी इक्वल्स टू 0 सेकेंड पे पार्टिकल का जो वेलोसिटी होता है मैं उसको इनिशियल वेलोसिटी बोल रहा हूँ, और किसी टाइम टी के बाद पार्टिकल का जो वेलोसिटी होता अगर वो फाइनल वेलोसिटी होता, तो चेंज इन टाइम अगर आप देखोगे तो चेंज इन टाइम का वैल्यू हो जाएगा फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, तो वो हो जाएगा स्मॉल टी। तो एक्सेलरेशन कैन बी रिटन एज वी माइनस यू डिवाइडेड बाई टी, और ये डेफिनेशन हर किसी ने पढ़ा होगा। यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? देखो नो सर। तुमको अगर डाउट हो ना तो बोलना, ठीक है, जरूरत पड़े तो हम और एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे, आप इसकी टेंशन मत लेना। मैंने आपको बोला कि एक्सेलरेशन, कभी भी अगर एक्सेलरेशन पूछा जाए, एक्सेलरेशन लोअर क्लासेस में भी आपने पढ़ा है, एक्सेलरेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब वेलोसिटी का मतलब है उसके पास मैग्नीट्यूड भी है और उसके पास क्या है, डायरेक्शन भी है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब अगर वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है और मैं चाहता हूं कि वेलोसिटी में चेंज प्रोड्यूस करूं, तो वेलोसिटी में चेंज कैसे प्रोड्यूस हो सकता है, आप या तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज करना स्टार्ट कर दो। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कैसे चेंज करेंगे, तो ऐसा मान लो कि पहले जो पार्टिकल था वो 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चल रहा है, बाद में अगर वो 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चलने लगे तो हम ये बोल सकते हैं कि पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। या मैं सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर सकता हूँ। सिर्फ डायरेक्शन कैसे चेंज होगा,
मान लो मैंने ऐसा बोला कि पहले जो पार्टिकल था वो वेस्ट की तरफ 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा था, फिर मैंने कुछ टाइम के बाद देखा तो पार्टिकल जो है वो नॉर्थ की तरफ 10 मीटर पर सेकंड से मूव करना स्टार्ट करेगा, तो पहले वो वेस्ट में चल रहा था, बाद में वो नॉर्थ में जाने लगा। अगर उसने डायरेक्शन चेंज कर लिया तब भी क्या हो गया, वेलोसिटी में चेंज हो जाएगा, या मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही चेंज कर देंगे तब भी वेलोसिटी में चेंज हो जाएगा। अब एक्सेलरेशन को डिफाइन कैसे करेंगे, तो एक्सेलरेशन का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी में चेंज तो होना है और किस रेट से वेलोसिटी में चेंज हो रहा है ये इंपॉर्टेंट है। तो किस रेट से वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, तो उसको हमने कैसे लिखा। अब फिजिक्स में कभी भी ये रेट वाला वर्ड दिख जाए तो समझ जाएंगे हमें क्या करना है, टाइम से डिवाइड करना है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब चेंज ऑफ वेलोसिटी को आप क्या करोगे, टाइम से डिवाइड कर दोगे। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे ना, तो आपके पास एक्सेलरेशन का मैथमेटिकल फॉर्मूला ऐसा कुछ आ जाएगा, वी माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। शायद आपने ये पढ़ा भी है, सबने ये फॉर्मूला पढ़ा है ना। यस सर। मैं अभी ना डायरेक्शन के बारे में बात नहीं कर रहा, डायरेक्शन के बारे में हम बात करेंगे प्लेन में, जब मोशन इन प्लेन पढ़ेंगे तब। अभी सिर्फ मैग्नीट्यूड वाले खेल को समझते हैं। जैसे मान लो अगर मैं बोल दूं कि इस एक्सप्रेशन में अगर एक्सेलरेशन का वैल्यू जीरो है, मान लो मैंने ऐसा बोला कि एक्सेलरेशन का जो वैल्यू है वो क्या है, जीरो है। अगर इस एक्सप्रेशन में आप एक्सेलरेशन को जीरो पुट कर दोगे तो आप इक्वेशन क्या लिखोगे, जीरो इज इक्वल टू वी माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। इस डिनोमिनेटर वाले टाइम को अगर मैं इस साइड भेज दूं तो वो जीरो से मल्टीप्लीकेशन होने के बाद जीरो हो जाएगा, तो वो क्या आ जाएगा, ऐसा कुछ आ जाएगा क्या, v इज इक्वल टू यू। इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी सेम आ रहा है। अगर फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी सेम आ रहा है, इसका मतलब ये बोल सकते हैं कि पार्टिकल का एक्सेलरेशन जो था वो जीरो था। क्योंकि अगर आप याद रखना, अगर पार्टिकल के पास एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी विल चेंज, ये हमेशा याद रखेंगे। अगर आपने ये बोला कि कोई पार्टिकल था और पार्टिकल के पास कुछ एक्सेलरेशन था, तो बिकॉज ऑफ दैट एक्सेलरेशन द वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल विल चेंज। तो देखो इस वाले केस में अगर मैंने बोला कि इफ एक्सेलरेशन इज जीरो तो फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी सेम आ रहा है। अगर फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी सेम आ रहा है तो आप ये बोल सकते हो कि ये जो पार्टिकल होगा वो यूनिफॉर्म मोशन में है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब हो गया कि पार्टिकल ऐसे मोशन में है जिसमें पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो कभी भी चेंज नहीं हो रहा है। नहीं आया सर समझ में ये? अंडरस्टूड सर। सबको समझ में आया? पार्टिकल जिसमें पार्टिकल यूनिफॉर्म मोशन में होगा वो तब पॉसिबल है जब पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ये समझ में आया क्या सबको? यस सर। यस सर। अब मैं अगर आपसे पूछूं, सबने फ्री फॉल पढ़ा है, फ्री फॉल सब जानते हैं क्या, फ्री फॉल? यस सर। फ्री फॉल क्या होता है? फ्री सर जब मुफ्त में गिर जाते हैं तो फ्री फॉल है। फ्री फॉल क्या होता है? अभी बहुत लोगों ने यस बोला था, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स 14 है आज, बहुत लोगों ने यस बोला था। फ्री फॉल बोलो, फ्री फॉल क्या है? फ्री फॉल ओके, फ्री फॉल का मतलब होता है कि व्हेन अ पार्टिकल इज ट्रैवलिंग, व्हेन अ पार्टिकल इज ट्रैवलिंग in the influence of acceleration due to gravity, या ऐसा मोशन जिसमें पार्टिकल जो है वो अर्थ के
एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण मूव करेगा, दैट टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज फ्री फॉल. ठीक है, या ऐसा समझ लो कि अर्थ के कारण, अर्थ का जो ग्रेविटेशनल पुल है उसके कारण जो मोशन हो रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं, फ्री फॉल बोल रहे हैं. अब ये फ्री फॉल का एग्जाम्पल मैंने क्यों लिया, तो फ्री फॉल का एग्जाम्पल मैंने इसलिए लिया है क्योंकि मुझे आपको एग्जाम्पल के हेल्प से समझाना है. सबको पता है कि स्मॉल जी एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू जो होता है वो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसी को हम क्या करते हैं इजी कैलकुलेशन के लिए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये अज्यूम कर लेते हैं ना. आया ना? ओके. मान लो ऐसा बोला गया है कि एक बिल्डिंग थी, ठीक है, बहुत ही बड़ी सी बिल्डिंग है, ठीक है, बहुत ही लंबी चौड़ी बिल्डिंग, और इस बिल्डिंग से हम क्या करने वाले हैं, एक पार्टिकल को ड्रॉप करने वाले हैं. ऐसा बोला गया कि हमने क्या कर दिया, इस बिल्डिंग से पार्टिकल को, बिल्डिंग का हाइट भी ले लो, बिल्डिंग का हाइट जो है वो मान लो गिवन था, द हाइट ऑफ दिस बिल्डिंग वॉज 100 मीटर्स. ऐसा उन्होंने हमें बता दिया कि बिल्डिंग का जो हाइट है वो है 100 मीटर्स का, और ये बोला गया है कि यहां से एक पार्टिकल को क्या करने वाले हैं, ड्रॉप करने वाले हैं. अच्छा, अब ये ड्रॉप वर्ड का एक मीनिंग होता है, जब भी ये बोला जाए द पार्टिकल इज बीइंग ड्रॉप्ड, इसका मतलब क्या होगा, इसका इनिशियल वेलोसिटी जो है वो है जीरो. जैसे आप ऐसा समझो कि बिल्डिंग के टॉप से आप क्या करो, एक पार्टिकल को ऐसे ड्रॉप करने वाले, तो जब आप ड्रॉप करोगे मतलब उसको जाके ऐसे रिलीज कर देंगे, रिलीज कर देंगे इसका मतलब ये होता है कि उसका इनिशियल वेलोसिटी जो है वो जीरो है. अच्छा, अब आप जानते होंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ जो है, किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ अपनी तरफ पुल करता है. जैसे अगर ये हमारी धरती है, अर्थ, अब धरती हम लोगों से प्यार करती है तो अपनी तरफ खींचती है, तो दिस अर्थ इज पुलिंग दिस ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड. अर्थ जो है वो हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ पुल कर रहा है, और वो एक फोर्स से पुल करता है, मतलब जो भी अर्थ है वो इस ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स अप्लाई कर रहा है. अब इस फोर्स के कारण इस ऑब्जेक्ट को क्या मिलता है, एक एक्सेलरेशन मिलता है. अगर कोई आपसे पूछे कि फोर्स किस डायरेक्शन में, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में. आपने ये पढ़ा होगा फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, पढ़ा है ना ये सबने? यस सर. ओके, तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, इसका मतलब जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जी, उसका डायरेक्शन भी क्या होगा, डाउनवर्ड होगा. अच्छा, थ्रू आउट इस चैप्टर में, थ्रू आउट आपको एक साइन कन्वेंशन मान के रखना है. साइन कन्वेंशन क्या मानोगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में कुछ भी होगा तो आप उसको नेगेटिव मान लोगे, और अपवर्ड डायरेक्शन में कुछ भी होगा तो आप उसको क्या करोगे, पॉजिटिव मानोगे. ये अजम्पशन आपको याद रखना है, ये साइन कन्वेंशन है. ठीक है, हम क्या बोलने वाले हैं, कोई भी वैल्यू अगर मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में अज्यूम करूंगा तो वो नेगेटिव, और कोई भी वैल्यू अगर मैं अपवर्ड डायरेक्शन में अज्यूम करूंगा तो पॉजिटिव. अभी नेगेटिव और पॉजिटिव क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हम ये एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, ये सब जो डील करेंगे ना, ये सब क्या होते हैं, ये सब वेक्टर क्वांटिटीज होते हैं. तो वेक्टर क्वांटिटीज में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी स्पेसिफाई करना होता है. तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में कुछ भी होगा तो हम उसमें नेगेटिव असाइन कर देंगे, और कुछ भी अगर अपवर्ड डायरेक्शन में होगा तो हम उसमें पॉजिटिव असाइन कर देंगे. ये साइन कन्वेंशन आपको याद रखना है. अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू हम जो अज्यूम करने वाले हैं वो है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. आप मुझे इसका मतलब समझा सकते हो क्या, कि अगर पार्टिकल पे एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का है तो इसका क्या मतलब, जैसे मैं वेलोसिटी लिखते थे ना हम लोग, सर वी कैन, हाँ बोलो 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 सर, वी कैन से दैट व्हेन वी ड्रॉप द पार्टिकल after every second the velocity will increase by 10 meters per second, will increase by 10 meter per second. ठीक है, very nice Shreya. देखो, जैसे आप जब ये लिखते थे ना, velocity is equal to 10 meter per second, इसका मतलब आप क्या बोलते थे, 10 meter in 1 second, ऐसा ही तो बोलते थे ना. तो अगर किसी पार्टिकल का velocity was 10 meter per second, इसका मतलब हर एक 1 second के बाद the particle is traveling a distance of 10 meter. उसी तरह अगर एक्सेलरेशन अगर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का है, इसका मतलब क्या होगा, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ. देखो तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पर सेकंड स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ ना, मीटर पर सेकंड में इधर रख दूंगा और एक सेकंड से मैं ऐसे डिवाइड कर दूंगा. मैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ब्रेक करके मैंने इस तरह से लिख दिया. अब इस तरह से लिखने का क्या मतलब हो गया,
कि आफ्टर एवरी वन सेकेंड, आफ्टर एवरी वन सेकेंड वेलोसिटी विल चेंज बाय अ वैल्यू ऑफ 10. जैसे ये 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड इन वन सेकेंड. इसका ये मतलब हो गया कि हर एक वन सेकेंड के बाद द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल चेंज बाय 10 मीटर पर सेकेंड. ये समझ में आया क्या? यस सर. ओके यस सर. इस केस में अगर देखोगे तो देखो, अच्छा एक और चीज क्या याद रखना है, कोई भी अगर पूछे कि एक्सेलरेशन, अब दो बातें आपको याद रखनी पड़ेगी. जैसे अगर कोई पूछे कि एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन होता है जब, ये मैं हिंदी में लिख दे रहा हूं ताकि आप समझ सको, जब भी डिस्प्लेसमेंट और फोर्स, जब भी डिस्प्लेसमेंट और फोर्स पैरेलल हो, एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन का मतलब होता है विथ इंक्रीजिंग टाइम the magnitude of velocity will increase. और कोई मतलब याद नहीं रखेंगे. अगर पार्टिकल के पास एक्सेलरेशन है, इसका मतलब यह होगा विद इंक्रीजिंग टाइम द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी विल इंक्रीज. अच्छा, रिटार्डेशन कब होगा? रिटार्डेशन नेगेटिव एक्सेलरेशन नहीं होता. ये अपने मन में बैठा के रखेंगे कि रिटार्डेशन डज नॉट मीन नेगेटिव एक्सेलरेशन. रिटार्डेशन कब होगा? जब भी डिस्प्लेसमेंट और फोर्स एंटी पैरेलल होंगे. जब भी डिस्प्लेसमेंट और फोर्स एंटी पैरेलल होगा तो रिटार्डेशन है. रिटार्डेशन में क्या होता है, विथ इंक्रीजिंग टाइम मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी विल डिक्रीज. मैं ये दोनों आपको ना एक्सप्लेन कर देता हूं, एग्जाम्पल से समझा दूंगा. एक्सेलरेशन, कभी भी अगर मैं आपको बोलूं कि एक्सेलरेशन, द पार्टिकल इज एक्सेलरेटिंग, पार्टिकल एक्सेलरेट करेगा, इसका मतलब द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी विल इंक्रीज विद इंक्रीजिंग टाइम. पहला पॉइंट ये होना है. और एक्सेलरेशन कब होगा? अभी स्ट्रेट लाइन मोशन पड़ रहे हैं तो एक्सेलरेशन तब होगा जब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स पैरेलल होंगे. जैसे अगर आप प्रीवियस पेज में देखोगे, प्रीवियस पेज में ये जो मैंने एग्जांपल लिया है, इसमें क्या है, पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि ये दिस वाज इनिशियल पोजीशन. और पार्टिकल अगर नीचे गिर रहा है, मान लो नीचे गिर के यहां पर आता, तो ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है. तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड है और फोर्स का डायरेक्शन भी डाउनवर्ड है. अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ पुल करता है, तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों डाउनवर्ड है, मींस दोनों क्या हो गए, पैरेलल हो गए. अगर ये दोनों पैरेलल हो गए तो दिस इज द केस ऑफ एक्सेलरेशन. यहां पर क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा. अगर एक्सेलरेशन हुआ इसका मतलब इस पार्टिकल का जो वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड हर एक वन सेकेंड के बाद इंक्रीज होगा. अब कितना होगा, तो जैसे देखो यहां पे जब मैंने इसको ड्रॉप किया था तो इसका इनिशियल वेलोसिटी जीरो था. इंक्रीज होने का रेट है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का. अगर इंक्रीज होने का रेट है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, तो एग्जैक्टली वन सेकेंड के बाद अगर आपसे कोई पार्टिकल का वेलोसिटी पूछता ना, तो आप बोल देते 10 मीटर पर सेकेंड. आप बोलोगे सर कैसे पता चला 10 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी, अगर एक्सेलरेशन है मतलब पार्टिकल का वेलोसिटी चेंज करेगा. किस रेट से चेंज करेगा, तो जिस रेट से चेंज करता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलेंगे. अब इस केस में क्या होगा, सिंस डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का डायरेक्शन एक जैसा है, तो यहां पे क्या होने वाला है, एक्सेलरेशन होगा. अब इफ दिस इज द केस ऑफ एक्सेलरेशन, तो विद इंक्रीजिंग टाइम, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज करेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी विल कीप ऑन इंक्रीजिंग. तो एग्जैक्टली अगर आप 1 सेकंड के बाद पार्टिकल का वेलोसिटी देखते हैं तो वो 10 मीटर पर सेकंड होगा. अगर आप 2 सेकंड के बाद देखोगे तो वो 20 मीटर पर सेकंड होगा, एंड सो ऑन. 3 सेकंड के बाद देखेंगे 30, 4 सेकंड बाद देखेंगे 50, एंड सो ऑन. तो एक्सेलरेशन का मतलब समझ में आया क्या? यस सर. अच्छा, एकदम ध्यान से सोच के बोलना. अकॉर्डिंग टू दिस साइन कन्वेंशन, ये जो साइन कन्वेंशन हमने अज्यूम किया है, उस केस में
आप एक्सेलरेशन को क्या रखोगे, पॉजिटिव रखोगे या नेगेटिव रखोगे? नेगेटिव। इस एग्जांपल में एक्सेलरेशन माइनस जी हुआ ना, डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव होगा, एक्सेलरेशन भी नेगेटिव। अब लोगों के मन में वो पहले से वो डाउट कंफ्यूजन होगा, सर नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब तो रिटार्डेशन होता है। तो यहाँ पे मैंने वो समझाने की कोशिश की है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन दो अलग अलग बातें हैं। एक्सेलरेशन तब होता है जब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का डायरेक्शन एक हो जाए, जैसे इस वाले केस में। अब ये साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हम हमेशा क्या मान लेंगे कि डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव है। डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव था इसलिए क्या हो गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नेगेटिव आ गया। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो गया, नेगेटिव आ गया। दोनों सेम डायरेक्शन में थे इसलिए दिस वॉज द केस ऑफ एक्सेलरेशन। अब बोलोगे सर रिटार्डेशन कब होगा फिर, तो रिटार्डेशन का केस ये समझ में आया क्या एक्सेलरेशन? यस सर। ठीक है, यहाँ पे एक्सेलरेशन तो नेगेटिव है और आप बोल रहे हो कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। मैंने आपको समझाया जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, और तुम्हें पता भी है जब बिल्डिंग से कोई बॉल आप ड्रॉप करते हो तो जब वो जमीन पे आके हिट करता है तो वो सर्टेन वेलोसिटी के साथ आके हिट करता है। अगर इसका इनिशियल वेलोसिटी जीरो था और इसके पास अगर कोई एक्सेलरेशन नहीं होता तो कभी भी इसका वेलोसिटी चेंज नहीं होता। ये समझ में आया क्या सबको? ये बहुत बड़ा डाउट होता है, तो अगर किसी को कोई भी डाउट लगे तो पूछना। मैं रिटार्डेशन का एक केस समझाता हूँ फिर आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा रिटार्डेशन का मतलब क्या है। जैसे सर आपने वहां जो माइनस ए लिखा था, तो दैट मींस दैट माइनस साइन शोस द डायरेक्शन, माइनस साइन शोस द डायरेक्शन। हमेशा याद रखेंगे डीलिंग विद अ वेक्टर क्वांटिटी दिस प्लस माइनस रिप्रेजेंट डायरेक्शन। ठीक है, ओके। अच्छा मैं रिटार्डेशन का एक एग्जांपल आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो ये फिर से हमारी प्यारी धरती, ठीक है, धरती हमारी माँ है, सपोज ये प्यारी धरती हमारी ग्राउंड, और इस बार क्या करते हैं ऑब्जेक्ट ग्राउंड पर ऐसे रखा हुआ है, ये खुद से ऊपर जा सकता है क्या? अगर ग्राउंड पे ऐसा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मान लो तुम्हारे घर में टेबल चेयर कुर्सियां जो भी है वो रखे हुए, वो खुद से ऊपर उड़ने स्टार्ट हो जाते हैं क्या? अगर किसी के घर में ऐसा हो रहा है, अगर किसी के घर में ऐसा हो रहा है तो वो पूजा अच्छे से करवाएंगे, तांत्रिक वांत्रिक बुलवाएंगे, वो नॉर्मल घर नहीं है। फिर नॉर्मल घर में क्या होगा, अगर ऑब्जेक्ट ऐसे रखा है तो वो रखा रहे। तो अगर मैं चाहता हूँ कि दिस ऑब्जेक्ट शुड मूव इन द अपवर्ड डायरेक्शन, मैं ऐसा चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड करना पड़ेगा इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो मैंने क्या किया, इसको एक इनिशियल वेलोसिटी दे दिया मान लो 50 meter per second इन द अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, अब एक बात हमेशा याद रखना कि डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट विल ऑलवेज बी अलोंग, या आप ऐसा लिख लो, पार्टिकल विल ऑलवेज, पार्टिकल विल ऑलवेज मूव इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, इन द डायरेक्शन ऑफ velocity unless velocity is zero, unless velocity is zero, if velocity is zero, if velocity is zero, particle will follow, particle will follow the direction of, particle will follow the direction of acceleration. बहुत important line है। Particle जो है वो हमेशा अपने velocity के direction में होगा। जिस direction में particle का velocity है ना, particle उधर ही move करता है। अच्छा, अगर particle के पास velocity है तब ऐसा होगा, अगर particle का velocity zero हो गया तो वो क्या करेगा, अपने acceleration के direction को follow करेगा। ये मैंने note में लिखा है जो मैं अभी आपको यहाँ पे समझा के ही बताऊंगा। जैसे देखो, ये ग्राउंड पर एक पार्टिकल रखा हुआ है, ठीक है, मैंने इसको एक इनिशियल वेलोसिटी दे दिया 50 meter per second का। अब इसका वेलोसिटी ऊपर के डायरेक्शन में, तो बिकॉज ऑफ द डायरेक्शन ऑफ इट्स वेलोसिटी, इसका वेलोसिटी ऊपर के साइड में था, तो ये पार्टिकल क्या करेगा, ऊपर जाने की टेंडेंसी रखता है। पार्टिकल जो है वो ऐसे ऊपर जा रहा है, क्यों ऊपर जा रहा है, क्योंकि इसके पास जो वेलोसिटी है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है। ओके, अब ग्राउंड क्या कर रहा है, ग्राउंड जो है वो इस पे फोर्स अभी भी अप्लाई कर रहा है, वेट इस पे जो फोर्स है वो अभी भी अप्लाई कर रहा होगा,
तो बिकॉज ऑफ ग्राउंड इस ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लग रहा होगा इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. अब फोर्स के कारण जिस डायरेक्शन में फोर्स होता है, जिस डायरेक्शन में फोर्स होता है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी होगा. तो फोर्स अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा. अब ध्यान से देखो, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट ऊपर के डायरेक्शन में है और जो पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में. मैंने आपको बताया था रिटार्डेशन कब होता है, जब ये मोशन का डायरेक्शन और फोर्स अगर ऑपोजिट सेंस में हो या एंटी पैरेलल हो, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, तो दिस इज द केस ऑफ रिटार्डेशन. और रिटार्डेशन में क्या होगा, जब भी रिटार्डेशन होगा, जब भी रिटार्डेशन होगा तो वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी विल कीप ऑन डिक्रीजिंग. एक्सेलरेशन के केस में मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, लेकिन रिटार्डेशन के केस में क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी विल कीप ऑन डिक्रीजिंग. अब कैसे डिक्रीज होगा, तो इस केस में अगर मैं आप इससे पूछूं कि एक्सेलरेशन इस केस में कितना है, बोलो तो कितना एक्सेलरेशन होगा, डायरेक्शन के साथ बताना, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इन दिस केस. नहीं आ रहा है क्या समझ में, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायरेक्शन क्या है, बोलो. डाउनवर्ड. तो कोई भी पैरामीटर जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है उसको हम क्या मानते हैं, उसको तो नेगेटिव मानते हैं. और कोई भी पैरामीटर अगर अपवर्ड डायरेक्शन में है तो उसको हम क्या मानते हैं, पॉजिटिव मानते हैं. तो इस सिनेरियो के हिसाब से एक्सेलरेशन जो होगा उसको माइनस 10 लिखेंगे ना अभी भी, क्योंकि वो तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है. समझ में आ रहा है क्या, हाँ या ना? ओके. अच्छा, वेलोसिटी क्या लिखोगे, इनिशियल वेलोसिटी प्लस में या माइनस में लिखोगे? प्लस में. तो इनिशियल वेलोसिटी को प्लस में लिख दिया हमने 50. अब साफ साफ देखो, मोशन का डायरेक्शन और फोर्स का डायरेक्शन एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट है, मतलब दिस इज द केस ऑफ रिटार्डेशन. अब यहाँ पे रिटार्डेशन अगर होगा मतलब वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल विल कीप ऑन डिक्रीजिंग, या मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी विल कीप ऑन डिक्रीजिंग. अच्छा, किस रेट से डिक्रीज होगा, तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, मतलब आफ्टर एवरी 1 सेकेंड द वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल विल डिक्रीज बाय 10. तो अगर आपने टी इक्वल्स टू 0 पर इसको फेंका था, तो एग्जैक्टली टी इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे अगर इस पार्टिकल को कोई चेक करता तो इस पार्टिकल का जो वेलोसिटी मिलता, वो 40 मीटर पर सेकेंड का मिलता क्या. अब मैग्नीट्यूड क्यों डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है. अच्छा, उसी तरह अगर टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड पर आपसे कोई पूछता तो इसका जो वेलोसिटी होता वो आपको मिलता 30 मीटर पर सेकेंड का. टी इक्वल्स टू 3 सेकेंड पे अगर कोई पूछता तो वो क्या हो जाता, 20 मीटर पर सेकेंड. फिर टी इक्वल्स टू 4 सेकेंड पे, वो हो जाता है 10 मीटर पर सेकेंड. और एग्जैक्टली टी इक्वल्स टू 5 सेकेंड में अगर आप सोचोगे तो टी इक्वल्स टू 5 सेकेंड पे इसका वेलोसिटी डिक्रीज होके 0 हो जाता क्या, हाँ या ना? यस सर. अब ये जो पॉइंट है ना, जिसमें जिस समय पार्टिकल का वेलोसिटी 0 हो गया, इसको हम क्या बोलते हैं, टॉप मोस्ट पोजिशन. इसको हम बोलते हैं टॉप मोस्ट पोजिशन. अब तुम खुद से सोचो, जब भी तुम एक क्रिकेट बॉल को ग्राउंड से जब ऊपर की तरफ फेंकते हो तो भगवान रख लेते हैं उसको, वापस नहीं करते वो बॉल को, या सेम वो वापस भी आ जाता है. अब जैसे ही फेंकोगे, जितना टाइम वो ऊपर जाने में लगाएगा उतने ही टाइम पे वो ट्रैवल करके नीचे भी आ जाता है. तो अगर आप ध्यान से सोचोगे तो ये नीचे क्यों आया, क्योंकि ये गया, जब ये ऊपर जा रहा है तो ये रिटार्ड कर रहा है. रिटार्ड कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी विल कीप ऑन डिक्रीजिंग. अब हर एक सेकेंड के बाद वेलोसिटी विल डिक्रीज बाय 10, तो आफ्टर 1 सेकेंड द वेलोसिटी इज 40. उसी तरह 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, एग्जैक्टली 5 सेकेंड पे पार्टिकल का वेलोसिटी क्या हो गया, 0 हो गया. अब ये जो टॉप मोस्ट पोजिशन है, अब जब तक पार्टिकल के पास वेलोसिटी था, पार्टिकल का जो मोशन था वो वेलोसिटी के डायरेक्शन में था, हो रहा था ना, देखो तो पार्टिकल ऊपर जा रहा था ना, जब तक पार्टिकल के पास वेलोसिटी था. अरे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, बोलो. यस सर. यस सर. रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा एकदम. पता नहीं कौन सी दुनिया में चले गए, समझ में नहीं आ रहा है सर क्या बोल रहे हो सर, पूरा तो हमारा खेल ही आपने खराब कर दिया, हम तो कुछ और समझ के बैठे थे पहले से.
ये एग्जांपल सबको समझ में आ रहा है? यस सर। 14 पार्टिसिपेंट्स हैं, मेरे को सबके आवाज सुनना है। यस सर। यस सर। ओके। यस सर। एकदम देखो, याद रखना एक्सेलरेशन, दो तीन बातें याद रखोगे ना तो कभी मिस्टेक नहीं करोगे। एक्सेलरेशन कब होगा? जब वेलोसिटी या चलने का डायरेक्शन और फोर्स का डायरेक्शन एक पैरेलल हो जाए, दोनों एक डायरेक्शन में हो जाएंगे, फोर्स और चलने का जो टेंडेंसी है, तो दैट इज द केस ऑफ एक्सेलरेशन। अगर पार्टिकल में एक्सेलरेशन है, अगर पार्टिकल में एक्सेलरेशन है, इसका मतलब क्या होता है? विद इंक्रीजिंग टाइम मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। रिटार्डेशन कब होगा सर? रिटार्डेशन का मतलब हो गया चलने का डायरेक्शन और फोर्स अगर एक दूसरे के ऑपोजिट हो गया, तो दैट इज द केस ऑफ रिटार्डेशन। रिटार्डेशन में क्या होगा? द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी विल कीप ऑन डिक्रीजिंग। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो t इक्वल्स टू 0 पर अगर 50 मीटर पर सेकंड है, चलने का डायरेक्शन ऊपर है, फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए, मतलब दिस इज द केस ऑफ रिटार्डेशन। तो ये रिटार्ड करना स्टार्ट करेगा, रिटार्ड करेगा मींस द मैग्नीट्यूड विल कीप ऑन डिक्रीजिंग 50 से 40, 30, 20, 10, 0। अच्छा, अब जब तक पार्टिकल के पास वेलोसिटी था, पार्टिकल अपने वेलोसिटी के डायरेक्शन में मूव कर रहा था, जैसे ही पार्टिकल का वेलोसिटी जीरो हुआ, ये क्या करेगा? अब ये रुक जाएगा। क्यों रुक गया? क्योंकि जो वेलोसिटी इसको ऊपर लेके जा रहा था वही जीरो हो गया। अब ये फर्दर और ऊपर नहीं जा सकता। अगर ये फर्दर और ऊपर नहीं जा सकता, इसका मतलब ये हो गया हमारा टॉप मोस्ट पोजीशन। अब टॉप मोस्ट पोजीशन के बाद देखो, मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है, इफ वेलोसिटी इज जीरो, पार्टिकल विल फॉलो द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। अच्छा, आप बताओ टॉप मोस्ट पोजीशन पे पार्टिकल के पास एक्सेलरेशन है या नहीं? यस सर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना? यस सर। पार्टिकल को इसमें हर एक पॉइंट पर एक्सेलरेशन, अगर पूछेगा कोई कि यहां पर एक्सेलरेशन कितना है, तो यहां पर भी जी डाउनवर्ड्स, यहां पर भी जी डाउनवर्ड्स, जी डाउनवर्ड्स, जी डाउनवर्ड्स, जी डाउनवर्ड्स, हर पॉइंट पर जी डाउनवर्ड्स एक्सेलरेशन। तो इस पॉइंट के बाद टॉप मोस्ट पोजीशन, अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि क्या किसी पार्टिकल का वेलोसिटी जीरो हो सकता है, मतलब किसी पार्टिकल का वेलोसिटी जीरो होकर भी उसका जो एक्सेलरेशन है वो नॉन जीरो हो सकता है क्या? ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो उसका आंसर क्या होना चाहिए? हो सकता है या नहीं हो सकता? A particle can have, can you repeat the question? Sorry, I can't repeat. A particle can have zero velocity with non-zero acceleration. True or false? A particle can have zero velocity with non-zero acceleration. True or false? True, sir. True. देखो, इस केस में क्या हो रहा है? Particle का velocity is zero, but still the acceleration is non-zero. तो ऐसा कभी नहीं होगा कि अगर पार्टिकल का वेलोसिटी जीरो तो उसका एक्सेलरेशन भी जीरो होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसका एक और एग्जांपल बताता हूं, ये क्वेश्चन सबको समझ में आया ना, क्वेश्चन जो मैं पूछ रहा हूं, कैन अ पार्टिकल, कैन अ पार्टिकल बी एट रेस्ट विद सम नॉन जीरो एक्सेलरेशन? तो इसका आंसर होता है यस, ट्रू। इसका एक और एग्जांपल होता है, तुम जब आई होप सबको स्कूटी, बाइक, कार, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, शिप, कुछ तो चलाना आता होगा, बाइसिकल या जो भी, कुछ ना कुछ तो चलाना आता होगा। मान लो स्कूटी, अब स्कूटी बेस्ट एग्जांपल होता है, बहुत ही आसान होता है स्कूटी चलाना, ऐसा मेरे को लगता है। अब किसी को मुश्किल लगता है तो मैं नहीं कुछ कर सकता, लेकिन जनरली स्कूटी इज अ वेरी क्या, इजी राइड, ठीक है। अब स्कूटी में क्या होता है, तुमने इंजन ऑन किया, ये ब्र इंजन ऑन हो गया। अब जैसे ही इंजन ऑन हुआ उसके बाद क्या होता है, आपको एक्सेलरेट करना होता है। और स्टार्टिंग में जब कोई सीख रहा होता है ना, तुमने ये रिलेट किया होगा, स्टार्टिंग में जब कोई स्कूटी चलाना सीखता है तो उसको समझ में नहीं आता है कि कितना एक्सेलरेट करना होता है। ये स्टार्टिंग में आपको यही सीखना होता है। बाइक के केस में भी, बाइक के केस में क्लच वाला सिस्टम होता है, अलग होता है, स्कूटी में ही समझते हैं। स्कूटी के केस में क्या होता है ना, जब आप स्कूटी चलाना सीख रहे होगे तो आपको प्रॉब्लम होता होगा एक्सेलरेटर में, आपको यही नहीं समझ में आता होगा कि कितना एक्सेलरेटर लेना है। या तो आप बहुत ज्यादा एक्सेलरेटर ले लेते हो, बहुत ज्यादा एक्सेलरेटर लेने से क्या होता है, गाड़ी उड़नी स्टार्ट हो जाती है, या बहुत कम एक्सेलरेटर लेते हो तो गाड़ी बंद हो जाती है। फेस किया है क्या ऐसा प्रॉब्लम? स्कूटी चलानी आती है? यस सर। आप तो ऐसा कोई प्रॉब्लम फेस किया होगा स्टार्टिंग में, या नहीं? सर, हम तो बचपन से स्कूटी चला रहे हैं। सर, द फर्स्ट वन। फर्स्ट वन तुम रिलेट कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम हुआ होगा। उसमें क्या होता है ना, जब भी तुमको तुम्हारे पेरेंट्स या कोई भी तुम्हारे जब खास तुमको कोई स्कूटी चलाना सिखा रहा होगा तो, या सिखा रही होंगी, तो
तो तुम्हें यही बताया जाता है कि आपको प्रॉपरली एक्सेलरेट करना है। अगर आप बहुत ज्यादा एक्सेलरेटर कर दोगे ना, जैसे आपने वो जो इधर राइट हैंड साइड में ही होता है, राइट हैंड साइड वाले उसको अगर बहुत ज्यादा घुमा दोगे तो गाड़ी का एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा हो गया। अब अगर एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा हो गया तो जैसे तुमने इंजन ऑन किया तो उस समय स्कूटी का वेलोसिटी था जीरो। तुमने अगर ऑल ऑफ सडन एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा कर दिया, इसका मतलब क्या होगा, बहुत ही कम टाइम पे वेलोसिटी चेंज होके बहुत बड़ा वैल्यू अटेन कर लेगा। इसका मतलब जीरो से बहुत जल्दी वो क्या हो जाएगा, 10 में 20 में अगर आ गया तो इतना सडन चेंज जो होगा वो आप संभाल नहीं पाओगे, तो स्कूटी उड़ने लगती है। लेकिन वही एक्सेलेटर अगर आप धीरे धीरे लोगे तो क्या होगा, उस केस में गाड़ी आराम से बढ़ती है। तो देखो जब आपका स्कूटी रेस्ट में था तो उसको चलाने के लिए आपको एक्सेलरेट करना पड़ा, आपने जैसे ही एक्सेलरेट किया जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, अब बोलोगे सर हमें कैसा पता कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वो है, तो वो इंजन जो आपने एक्सेलरेट किया मतलब इंजन ने एक फोर्स डेवलप किया आगे के डायरेक्शन, इसलिए आपकी स्कूटी जो है वो एक्सेलरेटर के डायरेक्शन में क्या करती है, चलनी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन एक बार जब स्कूटी चलना स्टार्ट कर देना तो तुम एक्सेलरेटर पूरा कम कर देना, फिर भी देखना कि वो जो स्कूटी है वो मूव कर रही है। क्यों मूव कर रही है, क्योंकि उस टाइम पर वो वेलोसिटी के डायरेक्शन को फॉलो करती है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि किसी भी पार्टिकल का जो मोशन है वो किसके किसके डायरेक्शन के अलोंग होता है, तो याद रखेंगे वेलोसिटी के डायरेक्शन के अलोंग होता है। अच्छा, अगर वेलोसिटी जीरो है तो द मोशन ऑफ द पार्टिकल विल बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। ये पहला पॉइंट याद रखना है। दूसरा पॉइंट क्या याद रखने वाला है कि अगर किसी पार्टिकल का वेलोसिटी जीरो हो, अगर किसी पार्टिकल का वेलोसिटी जीरो है तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि पार्टिकल का एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। अ पार्टिकल विद जीरो वेलोसिटी कैन हैव नॉन जीरो एक्सेलरेशन। ये दोनों पॉइंट समझ में आए क्या? सर कैन यू रिपीट द फर्स्ट पॉइंट? फर्स्ट पॉइंट हमने क्या बताया, फर्स्ट पॉइंट क्या बताया था? अच्छा, सेकंड पॉइंट क्या बताया था सर? इफ द वेलोसिटी इज जीरो देन देयर देन देयर इज, हां देखो सही, देखो एक दो दो बातें याद रखनी है। क्या-क्या याद रखना है सर? कि अगर पार्टिकल का वेलोसिटी जीरो है तो इसकी कोई गारंटी नहीं होगी कि पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है वो भी जीरो है। मतलब पार्टिकल का वेलोसिटी जीरो होते हुए भी पार्टिकल का एक्सेलरेशन नॉन जीरो हो सकता है। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट दैट यू हैव टू रिमेंबर। और सेकंड पॉइंट क्या है कि पार्टिकल विल ऑलवेज फॉलो द डायरेक्शन ऑफ इट वेलोसिटी। जो भी उसके वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा, पार्टिकल विल कीप ऑन मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ओनली इफ द वेलोसिटी इज जीरो, ओनली इफ द वेलोसिटी इज जीरो, द पार्टिकल विल टेक द पाथ ऑफ इट्स एक्सेलरेशन। आया क्या समझ में? Yes, sir. Okay. Yes, sir. तो ये दोनों समझ में आया क्या? इससे पहले वाला एग्जाम्पल और ये वाला एग्जाम्पल? याद रखना, क्या याद रखेंगे कि आज के बाद से जब भी आप ये फ्री फॉल वाले क्वेश्चन सॉल्व करो ना, आज के बाद से जब भी आप क्या करोगे, फ्री फॉल वाले क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो पार्टिकल, देखो पार्टिकल ऊपर जाए या ऊपर से ऐसे नीचे गिरे, दोनों ही केस में एक्सेलरेशन जो होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो पार्टिकल ऐसे ऊपर जा रहा हो या पार्टिकल ऐसे नीचे आ रहा हो, दोनों ही केस में आप एक्सेलरेशन को क्या कर दोगे, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख दोगे। अब एक्सेलरेशन नेगेटिव है, इसका ये मतलब नहीं है कि दिस इज रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन नेगेटिव है, इसका मतलब उसका जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में। बात समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब मैं तुमको समझाता हूँ कि तुम्हारे वो जो स्कूल के टीचर्स थे वो तुमको नेगेटिव एक्सेलरेशन का कहानी समझाते थे और तुम उसको सही भी मान के क्वेश्चन जब सॉल्व करते थे 9th क्लास में, 10th क्लास में, तो वो सही क्यों हो जाता? जैसे मान लो मैंने ऐसा बोला कि अ पार्टिकल वॉज मूविंग, अ पार्टिकल वॉज ट्रेवलिंग, a particle was traveling with a speed of 50 meter per second, okay? If the particle is brought to rest in
10 seconds, if the particle is brought to rest in 10 seconds, find the acceleration in this case. अब तुम बताओ यहां पे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो एक्सेलरेशन होगा या रिटार्डेशन होगा? इस वाले क्वेश्चन, पार्टिकल वाज ट्रैवलिंग विद 50 मीटर पर सेकंड, इफ द पार्टिकल इज ब्रॉट टू रेस्ट इन 10 सेकंड, फाइंड द एक्सेलरेशन इन दिस केस. इस केस में क्या है, एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन है? सर रिटार्डेशन. रिटार्डेशन है. क्यों रिटार्डेशन है? क्योंकि देखो इनिशियल वेलोसिटी 50 था और फाइनल वेलोसिटी रेस्ट हो गया, मतलब हां डिक्रीज है. अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो रहा है मतलब ये रिटार्डेशन. अब इस केस में देखो क्या होता था, इस केस में क्या है, जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते थे ना तो आप क्या करते थे, आप ऐसा मान लेते थे कि जो भी इस साइड में चलेगा वो पॉजिटिव है, अगर इस डायरेक्शन में कुछ भी है वो पॉजिटिव है, इसका मतलब इसके जो ऑपोजिट साइड में होगा वो ऑटोमेटिकली नेगेटिव होगा क्या? हाँ या ना? yes, अगर मैं yes, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव yes, मान लू तो जो भी इस डायरेक्शन में होना चाहिए वो ऑटोमेटिकली होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए. जब तुम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते थे तो देखो तुम कैसे सॉल्व करते हो, तुमने ये मान लिया कि एक पार्टिकल है और इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना था, 50 मीटर पर सेकंड का, इसका इनिशियल वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड का और ये 10 सेकंड के बाद ये रेस्ट में आने वाला है. तो इस केस में अगर आप लिखोगे तो इनिशियल वेलोसिटी को आप लिख देते थे प्लस 50, फाइनल वेलोसिटी को आप लिख दोगे जीरो, और कितने टाइम पर ये रेस्ट में आ गया, 10 सेकंड्स, आफ्टर ट्रैवलिंग फॉर 10 सेकंड्स वो रेस्ट में आ गया. अब यहां पर जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, हम ये फॉर्मूला जानते हैं v इज इक्वल टू u प्लस at, हर कोई ये फॉर्मूला जानता है ना? यस सर. यस, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन फाइनल वेलोसिटी है 0, इनिशियल वेलोसिटी है 50, एक्सेलरेशन ढूंढ रहे हैं पता नहीं तो a रख दिया, और टाइम कितना रखना है, टाइम रखना है अपने को 10 सेकंड्स का. इसको सॉल्व करने पर एक्सेलरेशन का वैल्यू -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का आ जाएगा क्या? हाँ या ना? Yes, अब तुम खुद से सोचो, एक्सेलरेशन में ये जो नेगेटिव आ रहा है, ये एक्सेलरेशन में नेगेटिव आ रहा है मतलब ये नेगेटिव तो डायरेक्शन के लिए है, तो डायरेक्शन के लिए इसका मतलब क्या है कि अगर ये पार्टिकल आगे चल रहा था, अगर ये पार्टिकल आगे चल रहा था तो तुम इसको रोकना चाहते हो, तो फोर्स किस डायरेक्शन होना चाहिए, फोर्स इस डायरेक्शन में होता ऑपोजिट डायरेक्शन में, तभी तो ये पार्टिकल रुकता ना. अब जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन होगा, इसलिए इस केस में एक्सेलरेशन नेगेटिव आ जाता था. तो इसलिए तुम्हारे टीचर्स तुमको ये सिखा देते थे कि नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब जो है वो रिटार्डेशन है. लेकिन हमेशा याद रखना, अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है इसका इसकी कोई गारंटी नहीं है कि जो पार्टिकल जो है वो रिटार्ड करेगा. इस केस में रिटार्डेशन क्यों हो गया, क्योंकि हम जब 9th और 10th में इस तरह इक्वेशन सॉल्व करते थे ना तो हम ये पहले से मान लेते थे, अच्छा ठीक है ये वाला जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव है और ये इधर जो होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा. इसलिए आपने इनिशियल वेलोसिटी को प्लस रख दिया, टाइम 10 रखा, सॉल्व किया तो एक्सेलरेशन नेगेटिव आ रहा है. अब एक्सेलरेशन नेगेटिव क्यों आ रहा है, क्योंकि अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को रोकना चाहता हूं तो इसके मोशन के अगेंस्ट में फोर्स लगाओगे तभी तो ऑब्जेक्ट रुकेगा. तो अगर फोर्स का डायरेक्शन ये है, मींस एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, इसी डायरेक्शन में होना चाहिए. अब देखो फोर्स और मोशन एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट है, तो दिस इज द केस ऑफ रिटार्डेशन. सर नहीं आया समझ में ये? सर कैन यू से दिस अगेन? मैं बहुत फास्ट बोल रहा हूं. यू कैन नॉट अंडरस्टैंड. आई डिडंट अंडरस्टैंड दिस पार्ट, लाइक आपने जो बोला -5. देखो स्टार्टिंग सोचो, मान लो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता था पहले लोअर क्लासेस में, अ पार्टिकल वाज ट्रैवलिंग विद 50 मीटर पर सेकंड, इफ द पार्टिकल इज ब्रॉट टू रेस्ट इन 10 सेकंड, फाइंड द एक्सेलरेशन इन दिस केस. तो साफ-साफ दिख रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी 50 का है और फाइनल वेलोसिटी जो है वो रेस्ट में आने वाला है. तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कम होता जा रहा है, इसका मतलब डेफिनेटली रिटार्डेशन होगा. अब जब मैं लोअर क्लास में थे, आप 9th क्लास में 10th क्लास में जब ये सिखाया जाता था आपको, तो आपको समझ में आ गया कि हाँ सर रिटार्डेशन, तो रिटार्डेशन है इसका मतलब क्या होना चाहिए. अब अकॉर्डिंग टू ये वो बोलते थे, अच्छा रिटार्डेशन है मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन ले लो. अब वो ऐसा क्यों बोलते थे कि नेगेटिव एक्सेलरेशन ले लो, क्यों? क्योंकि आप लॉजिकली सोचोगे, पार्टिकल अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और तुम चाहते हो कि पार्टिकल रुक जाए, तो जो पार्टिकल के डायरेक्शन मोशन का जो डायरेक्शन होगा उसके ऑपोजिट सेंस में आप फोर्स अप्लाई करोगे तभी तो पार्टिकल रुकेगा ना. ये समझ में आ रहा है? यस सर. तो अगर पार्टिकल का मोशन का डायरेक्शन इस तरफ था तो मैंने फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई करना स्टार्ट किया, ये मोशन का डायरेक्शन, ये फोर्स का डायरेक्शन.
अगर मोशन और फोर्स का डायरेक्शन एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट होता है तो यही तो रिटार्डेशन का केस है ना. यस सर. तो यहां पर जब आप देखोगे तो मैंने आपको ये समझाया कि अगर इसको रोकना है तो फोर्स इस डायरेक्शन में होना चाहिए, फोर्स इस डायरेक्शन में होना चाहिए. अब जो फोर्स का डायरेक्शन होता है वही एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होता है. तो अगर फोर्स इस डायरेक्शन का है इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा, इसी डायरेक्शन का होगा. तो एक्सेलरेशन अगर आप देखोगे तो नेगेटिव डायरेक्शन में है, इसलिए एक्सेलरेशन क्या हुआ है, सॉल्व करने पे नेगेटिव आया. वेलोसिटी फॉरवर्ड डायरेक्शन में था इसलिए ये क्या हो गया, प्लस आया. तो इस वाले केस में जब हमने सॉल्व किया तो एक्सेलरेशन खुद ब खुद नेगेटिव आ गया. क्यों नेगेटिव आ गया, क्योंकि रिटार्डेशन होना था. अगर रिटार्डेशन होना है इसका मतलब जिस डायरेक्शन में पार्टिकल चल रहा है उसके जस्ट ऑपोजिट सेंस में फोर्स होना चाहिए. अगर इसी क्वेश्चन में मैं ऐसा बोलता ना कि मान लो इसी क्वेश्चन में अगर मैं ऐसा बोलता, ध्यान से देखना, इसी क्वेश्चन में अगर मैं ऐसा बोलता कि मान लो पार्टिकल जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ऐसे पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इस केस में आप इनिशियल वेलोसिटी कितना ले लेते, -50 ले लेते. क्यों, क्योंकि जनरल साइन कन्वेंशन ये होता है कि इस साइड जो भी होगा उसको पॉजिटिव मान लेंगे और इस साइड जो भी होगा उसको हम नेगेटिव मान लेंगे. तो अगर मैं ऐसा बोलता कि पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव करता तो उसका इनिशियल वेलोसिटी आप कितना ले लेते, -50 meter per second. अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी -50 का ले लिया. अगर रेस्ट में आना है तो फाइनली उसका वेलोसिटी क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे. तो फाइनली हमने कितना लिख दिया, 0 लिख दिया. अच्छा, कितने टाइम पर रेस्ट में आना था, तो इसको 10 सेकंड्स में रेस्ट में आना है. अब तुम खुद से सोचो, अगर पार्टिकल का मोशन इस साइड हो रहा है तो तुम फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई करोगे तभी तो पार्टिकल रुकेगा ना, हाँ या ना? यस सर. तो अगर फोर्स इस डायरेक्शन में है मींस एक्सेलरेशन भी इस डायरेक्शन में है. अब तुम जब ये कंडीशन देख रहे हो तो इस केस में एक्सेलरेशन पॉजिटिव आना चाहिए ना, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है. सॉल्व करके देख लेते हैं फिर से. अगर v इज इक्वल टू यू प्लस at का फॉर्मूला यूज करोगे, v के प्लेस में रख दो -50, u के प्लेस में, सॉरी उल्टा हो गया, v का वैल्यू v के प्लेस में रख दिया 0, u के प्लेस में रख दिया -50, एक्सेलरेशन पता नहीं a रख देते हैं और टाइम के प्लेस में रख दो 10. जब आप यहां पे सॉल्व करोगे ना तो यू विल बी गेटिंग एक्सेलरेशन एज 5 meter per second square. अब देखो यहां पर एक्सेलरेशन पॉजिटिव आ रहा है, यहां पर एक्सेलरेशन पॉजिटिव आ रहा है, फिर भी क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है. क्यों रिटार्डेशन हो रहा है, क्योंकि एक्सेलरेशन पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो वो तो उसका डायरेक्शन है. अगर मुझे रिटार्डेशन समझना है, रिटार्डेशन का सिर्फ एक ही मतलब है, अगर चलने का डायरेक्शन और फोर्स का डायरेक्शन एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट है देन ओनली इट इज द केस ऑफ रिटार्डेशन. तो कोई अगर तुमसे ये बोलता है कि रिटार्डेशन का मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन है तो वो गलत बोल रहा है, उसको नहीं आता फिजिक्स. आया क्या समझ में? Yes, sir. मैंने आपको समझा दिया. देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, यहाँ पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, फिर भी पार्टिकल रिटार्ड कर रहा है. क्यों रिटार्ड कर रहा है, क्योंकि एक्सेलरेशन और मोशन का डायरेक्शन एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट है. तो याद क्या रखेंगे कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो नेगेटिव हो कुछ भी हो, पॉजिटिव एक्सेलरेशन भी रिटार्डेशन हो सकता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन भी रिटार्डेशन हो सकता है. ये एक्सेलरेशन के साथ ये जो प्लस और माइनस लिखा होता है वो सिर्फ उसके डायरेक्शन को स्पेसिफाई करता है. अगर चलने का डायरेक्शन और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन या फोर्स का डायरेक्शन एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट है देन ओनली दिस इज द केस ऑफ रिटार्डेशन. आया समझ में ये? यस सर. सबको समझ में आया क्या? यस सर. कुछ भी डाउट है तो बोलो. यस सर. अच्छा, अगर ये समझ में आ गया ना तो आप मुझे ये बताओ, जैसे मान लो वापस से धरती हमारी माता है, ठीक है, ग्राउंड, मैंने ये बंद क्यों किया अच्छे से, सपोज एक बिल्डिंग है, ठीक है, बिल्डिंग की हाइट कितनी है, 100 meters, 100 meters की बिल्डिंग है, यहां से एक पार्टिकल को मैंने ड्रॉप किया, ठीक है. क्वेश्चन में ये पूछा गया है, फाइंड the time, find the time after which the particle will hit the ground. The particle will hit the ground. ठीक है, मान लो ये question हो गया कि find the time after which the particle will hit the ground. और एक और question होता, find the velocity with which
find the velocity with which the particle will hit the ground. मान लो ये दो क्वेश्चन है. अच्छा मैं अभी इस पॉइंट पे समझता हूँ कि आपको ये बेसिक फॉर्मूलास पता है. S is equal to ut plus half a t square. ये सब फॉर्मूलास पता है ना? याद किया होगा? Yes sir. Yes sir. अच्छा यहाँ पे S जो लिखते हैं वो क्या है? Distance या displacement? या कुछ भी हो सकता है सर. Distance भी हो सकता है, displacement भी हो सकता है. Distance. Sir, displacement. S यहाँ पे जो लिखते हैं वो distance है या displacement है? Distance. नहीं. S जो यहाँ पे जितने भी यहाँ पे आप टर्म्स लिख रहे हो ना, S जो भी दिखता है यहाँ पे, ये S यहाँ पे होता है height, right? नहीं, S होता है displacement. हमेशा याद रखना ये जो formulas है उसमें S is displacement, not distance. जब हम question solve करेंगे तो देखेंगे. U initial velocity, A acceleration, V final velocity. Okay. अब देखो, मान लो ये मुझे question solve करना है. एकदम ध्यान से देखो, ठीक है? पहला question क्या बोल रहे हैं कि find the time after which the particle will hit the ground. कितने टाइम के बाद ये पार्टिकल जमीन को टच कर लेगा, ये अपने को कैलकुलेट करना है. अब मैं एक एक करके आपसे वैल्यूज पूछूंगा, आप मेरे को बताना क्या क्या है. इनिशियल वेलोसिटी, क्वेश्चन में आपको इनिशियल वेलोसिटी गिवन है क्या? नो सर. कितना है इनिशियल वेलोसिटी? जीरो. जीरो. ड्रॉप किया ना, ड्रॉप किया तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा. ओके. क्वेश्चन में एक्सेलरेशन आपको पता है क्या? Yes, sir. कितना होगा? 10 meter per second square. Plus में या minus में? Sir, negative. Negative में. सिर्फ एक कोई respond कर रहा है, बाकी सब बैठे हुए ऐसे आराम से. अरे ये समझ में आ रहा है ना question? पहला question में solve करो, इसमें किसी को doubt है क्या? Question में देखो, जब भी question solve करना है, देखो formulas तो यही है. आपको basic ये term समझना पड़ेगा. क्या क्या given है? तो इनिशियल वेलोसिटी अगर आप देखोगे तो इनिशियल वेलोसिटी क्या था? जीरो था. एक्सेलरेशन अगर देखोगे तो कुछ भी हो जाए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो उसको तो -10 ही रखेंगे ना. अब मैं बार बार उसको क्या कर रहा हूँ, इजी कैलकुलेशन के लिए -10 रख रहा हूँ. जब तक वो स्पेसिफाइड ना हो क्वेश्चन में, आप क्या करोगे? 10 ही रखोगे. अच्छा, डिस्प्लेसमेंट पता है क्या आपको इस वाले क्वेश्चन में? डिस्प्लेसमेंट पता है क्या? नो सर. 100 मीटर. यस सर. 100 प्लस में या माइनस में? सर माइनस. माइनस में. वेरी नाइस. डिस्प्लेसमेंट जो है, देखो दिस वाज योर इनिशियल पोजीशन एंड दिस इज योर फाइनल पोजीशन. अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को जॉइन करने वाला जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है वही तो डिस्प्लेसमेंट होता है. तो जब ये पार्टिकल यहां से ट्रेवल करके यहां पर आ जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट इसका क्या है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में. अगर डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो उसको भी -100 रखेंगे क्या? ये तीनों पॉइंट किसको नहीं समझ में आया? सबको ये तीनों पॉइंट समझ में आ गया? यस सर. ओके. यस सर. यू पता है, ए पता है, एस पता है. क्या नहीं पता? तो टाइम. अगर मैं ये फॉर्मूला यूज करूं, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यूटी वाला टर्म तो ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगा क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जीरो था. डिस्प्लेसमेंट के प्लेस में रख दो -100 इज इक्वल टू हाफ. एक्सेलरेशन के प्लेस में मतलब में रख दिया हमने -10 इनटू t स्क्वायर. दिस माइनस विल गेट कैंसिल फ्रॉम दिस माइनस. जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा तो t स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 20. तो टाइम का वैल्यू क्या हो जाएगा? रूट ओवर 20 सेकेंड्स का हो जाएगा क्या? इसका मतलब यहां से रूट ओवर 20 सेकेंड्स के बाद ये पार्टिकल जो है वो जमीन को हिट कर देगा रूट ओवर 20. ठीक है दी शीतल, सही है? सबको ये पहला क्वेश्चन समझ में आया क्या? लेकिन अगर मैं ऐसा बोलता कि पार्टिकल को मैंने ऐसे ऊपर फेंका है तो ये इनिशियल पोजीशन होता और यहाँ कहीं पर फाइनल पोजीशन होता, उस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होता? पॉजिटिव होता. लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, पार्टिकल नीचे गिरे या पार्टिकल ऊपर जाए, दोनों ही केस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होगा वो नेगेटिव होगा. ये समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. Okay. Yes, sir. अब सेकंड में जो मुझे और क्या फाइंड करना था, वेलोसिटी विद विच द पार्टिकल विल हिट द ग्राउंड. तो अब अगर मैं ये फॉर्मूला यूज करूं, v इज इक्वल टू u प्लस at, मेरे पास u का वैल्यू क्या है? फाइनल वेलोसिटी पार्टिकल का जीरो है तो u जीरो कर दो.
तो v का वैल्यू जब आप रखोगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है, माइनस 10 इंटू टी, कितना टाइम लगा यहाँ पे, रूट ओवर 20. तो जब आप सॉल्व करोगे तो माइनस, सही है ना? यस, माइनस 10 रूट 20. तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा माइनस 10 रूट 20. अब ये वेलोसिटी के साथ माइनस आ रहा है, इसका क्या मतलब है? वेलोसिटी के साथ माइनस क्यों आ रहा है? ये वेलोसिटी के साथ माइनस, मैग्नीट्यूड तो 10 रूट 20 हो गया, ये माइनस क्यों आ रहा है? सर, बिकॉज इट इज लाइक फॉलिंग डाउनवर्ड्स. इट इज फॉलिंग डाउनवर्ड्स, वेरी नाइस. यहाँ पे क्या है, सिंस दिस पार्टिकल इज मूविंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो मैंने तो आपको बताया था ना कि कोई भी चीज अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी तो वो नेगेटिव आएगा. तो यहाँ पे ये जो नेगेटिव आता है वो डायरेक्शन के लिए, सिंस ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा था इसलिए इसका वेलोसिटी क्या हो गया, माइनस आ गया. अगर ये ऊपर डायरेक्शन में ट्रेवल करता तो इसका वेलोसिटी क्या आता, पॉजिटिव आता. आया क्या समझ में? यस सर. आज मैंने जितना कुछ भी बोला है वो समझ में आया क्या? ये बहुत टफ लगा आज का लेक्चर? और सर, सबको समझ में आया ना? देखो, आपको दो तीन बातों का याद रखना पड़ेगा कि एक्सेलरेशन क्या है, रिटार्डेशन क्या है, साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है फ्री फॉल वाले क्वेश्चंस में. फ्री फॉल वाले क्वेश्चंस में आपको साइन कन्वेंशन बहुत ही प्रॉपरली समझना पड़ेगा, टॉप मोस्ट पोजिशन में वेलोसिटी क्या होगा, ये सब क्लियर है क्या? चलो यस सर, इतना ही रहने देते हैं, ठीक है? फिर सैटरडे को एक हमारा जनरल लेक्चर है, तो सैटरडे को जो लेक्चर है उसके हिसाब से देखते हैं कितना पढ़ा पाएंगे और, ठीक है? चलो, तो अभी मैं एंड कर रहा हूँ मीटिंग, मैं नोट्स भेज दूंगा. अच्छा, कोई भी अगर लेट किसी ने ज्वाइन किया है तो मैंने वो यूट्यूब का लिंक भी मैं भेज दूंगा, मैं नोट्स भी भेज दूंगा अगर किसी को चाहिए होगा तो, ठीक है? चलो एंड करो क्या इसको. थैंक यू सर. थैंक यू सर. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू सर. थैंक यू.